नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं शुभ जन्मदिन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज दिनांक 21 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा साल कैसा बीतेगा, ये पूरा साल 20 अगस्त 2020 तक, एक साल हो गया। पूरे साल में पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सब एक साथ यहीं पर हम दे देते हैं। आज सुबह सूर्योदय अश्विनी नक्षत्र में रहा है, केतु का नक्षत्र परेशानी का सबब तो बनता ही है। कंफ्यूज, डर और भय पैदा करता है। चलिए चलते हैं यात्रा पर, एक सालीय यात्रा। सबसे पहले शिक्षा। अगर आप 21 अगस्त को पैदा हुए हैं तो पढ़ाई के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। जो बहुत पहले से रुकी शिक्षा थी उसको एक गति देंगे आप। अक्टूबर नवंबर तो अद्भुत जाएगा, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, कोई बड़ी समस्या, पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। मन विचलित नवंबर के बाद होगा, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। दिसंबर जनवरी तो जैसे लगेगा कि पढ़ाई रुक ही जाएगी, खासतौर पे लड़कियां। फरवरी मार्च में लवेरिया की वजह से, प्रेम मोहब्बत, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की वजह से जो विद्यार्थी हैं, फरवरी मार्च प्रभावित होगा। एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस थोड़ा सा दबेगा। अप्रैल मई ठीक ठीक जाएगा। जून जुलाई में पुरानी समस्याओं से बाहर निकलेंगे और नई जगह पे कहीं एडमिशन वगैरह के लिए विचार करेंगे। बिजनेस के मामले में 21 अगस्त को पैदा हुए लोग भाग्यशाली रहेंगे, व्यापारिक घाटे की भरपाई होगी। अक्टूबर में नया कुछ आरंभ कर सकते हैं। नवंबर 20 तारीख के बाद स्थिति सामान्य और ज़्यादा हो जाएगी। षड्यंत्रों से बाहर निकलेंगे, पुरानी समस्याओं से पूरी तरह से आप मुक्ति पा जाएंगे, समय की अनुकूलता आपके साथ बनी रहेगी। जो चीज़ें आप सोच समझ कर कर रहे थे उन चीज़ों पर आपके लिए सकारात्मक प्रभाव रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई निवेशक भी आपको मिलेगा जनवरी के बाद। फरवरी मार्च व्यापार के लिए नए सिरे से कुछ नई ऊंचाई दे सकती है। अप्रैल और मई महीना ये ठीक नहीं रहेगा बिजनेस के लिए। जून जुलाई में धन का कुछ घाटा होगा। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन सितंबर में ही हो जाएगा। नई नौकरी की संभावना 16 अक्टूबर के बाद संभव है। फरवरी मार्च नौकरी में बाधा आएगी। अप्रैल मई खाली बैठ सकते हैं। जून जुलाई आपके लिए कुछ प्रतिकूलता लेकर आ सकती है। इन बिटवीन दो बार बॉस चेंज होगा जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। घर से दूर जाकर के भी आप नौकरी करने के विषय में विचार कर सकते हैं दिसंबर और जनवरी 2020 में। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ समय आपके साथ साथ चल रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जो आपके लिए दिक्कत पैदा करे। सोच समझ कर जितना भी आप कदम बढ़ाएंगे वो आपके लिए ऐतिहासिक होगा। बॉस प्रसन्न रहेगा। प्रमोशन अक्टूबर नवंबर के बाद होगा। मार्च में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर की संभावना बनेगी। अप्रैल मई तो समझ लीजिए कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। पुलिस विभाग, सेना से जुड़े लोगों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए जून जुलाई बहुत अच्छा जाएगा। अगस्त में कुछ दिक्कत आएगी। दाम्पत्य जीवन टफ सिचुएशन से गुजरेगा। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परेशानी का सबब लेकर के आएगा। आपको बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाना होगा।
अगस्त जितना दिन बचा है अभी, इसमें ही कुछ झगड़ा लड़ाई सितंबर तक चलता रहेगा। अक्टूबर नवंबर सो रहेगा, दिसंबर जनवरी कुछ गाड़ी पटरी पर आएगी, फरवरी और मार्च इन दो महीनों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से दांपत्य जीवन प्रभावित हो रहा है। अप्रैल और मई ये दो महीना अच्छा बीतेगा, पुराने झगड़े लड़ाई सब समाप्त हो जाएंगे, नई सिरे से शुरुआत होगी और वही आपके लिए सकारात्मक रहेगी। दांपत्य जीवन 21 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लास्ट में आते आते लव लाइफ बम बम रहेगा, लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, सामंजस्य बना रहेगा, परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी, परेशानियों से बाहर निकलेंगे, समय अनुकूलता लेकर आएगा। स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अचानक आपको परेशान करे। मामला सेट करने की देरी है और वो आप ही कर सकते हैं। लव लाइफ में शादी की बात अभी टाल दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, और अगर ज़रूरी हो बहुत तो एक बार हमसे कुंडली दिखा करके फिर समय ले करके फिर बात करिएगा, बाकी तो ब्रेकअप वगैरह की संभावना बहुत कम है। स्वास्थ्य के मामले में आँख और पेट की दिक्कत बहुत परेशान करेगी, केतु बिल्कुल उलझा के रखेगा, ये आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। उपाय क्या करना चाहिए आपके लिए, पीपल का एक पौधा कहीं लगाकर दो बच्चों को कुछ पाठ्य पुस्तक दे दीजिएगा, और आज जिनकी शादी की सालगिरह है, तीन शाम लगातार एक दीपक तुलसी के नीचे जलाकर 11 दिन लगातार किसी को खाना खिलाइए पति पत्नी मिलकर के। बहुत आभार। 27, 28, 29 अगस्त को आप मिल सकते हैं अहमदाबाद में, टिकट हो चुका है, अपॉइंटमेंट में देर मत करिएगा। फिलहाल दो नंबर्स पर अभी सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है, फ़ोन ना लगे तो व्हाट्सएप जरूर कर लिया करिए, देर सवेर रिप्लाई मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, श्री राधे।